लेबर का काम करता है, बेसिकली लकड़ी और बल्ली पंटी का काम करता है। उस समय बिलासपुर के एक इलाके में लगातार 4-5 दिन काम करता था। ये इस महिला को जानता भी नहीं है, ना पहचानता है, ना पहले से पूछा किया है, कुछ भी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं। उस दिन शाम को वो नशा करके बैठा हुआ था रोड साइड वहां पे बिलासपुर में। जब महिला अपने आप जा रही थी तो काफी देर बाद ये भी पीछा करते चला गया। केवल वासना का शिकार होते हुए उसने ये देखा अकेली रोड पर सुनसान जगह पर डिब्डीबा में महिला जा रही है, पीछा करता हुआ गया। उसका जो वासना की मतलब इसमें आकर और लूट करने के इरादे से उस महिला को घसीटते हुए झाड़ियों के पास ले गया। उसने बहुत प्रोटेस्ट किया महिला ने, इसको लात मुक्का सब कुछ मारा। तो तब जाके इसने उसका सर पटक के उसका उसी का चुन्नी होता है वो स्कार्फ बोलते हैं तो महिलाएं जो ऑफिस में काम करने के लिए यूज करते हैं, तो उसी का स्कार्फ से उसका गला घोटा, बर्बरता रूप से गला घोटा, उसको बलात्कार किया, इस प्रकार ब्रूटल रेप करके मर्डर को अंजाम दिया। तो इस वारदात को हमने इसका पूरा कड़ी से कड़ी मिलाते हुए विक्टिम पर सॉरी अक्यूज को ट्रेस आउट करने के बाद इस घटना का सफलतापूर्वक हमने अनावरण कर दिया है। जो हमने गुमशुदगी दर्ज किया है उसी गुमशुदगी को हमने अभी इसका अनावरण करते हुए इसका होने के बाद इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसके ही निशानदेही में अभियुक्त जो वारदात के टाइम में जो फोन यूज कर रहा था, जो सिम यूज कर रहा था इसके बीवी के नाम पे, वो एज इट इज हमने बरामद किया है। और जो सीसीटीवी फुटेज में ये जो धर्मेंद्र चलता हुआ दिख रहा है महिला के काफी देर बाद पीछे, वही टी शर्ट, वही हमारा जीन्स मतलब कपड़े सब बरामद किया हमने। और भी बहुत सारे महिला के सामान मिसिंग है, ये कुछ कुछ कहानियां बता रहे हैं कहाँ कहाँ उसने छुपा रखा है क्या था।